नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग पावर सॉकेट इंस्टॉलेशन सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं सीखते हैं। ये देखिए, चैनल के द्वारा एक पावर सॉकेट को इंस्टॉल किया गया है और ये 3 फेज का पावर सॉकेट है। जब कभी भी आपको इंस्टॉल करना हो तो इस तरह से आप सपोर्टिंग कर सकते हैं, उसमें नट बोल्ट लगा करके और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पावर सॉकेट का ये स्विच को ये ऑन करके और इसको उठाते हैं और तब इसके अंदर ये ELCB लगा होता है या MCB लगा होता है, उसको उठाते हैं और ऑन करते हैं। इसको ऑन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग पावर सॉकेट को इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं सीखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यह 3 फेज का पावर सॉकेट है। इसे कैसे इंस्टॉल किया गया है आप देख सकते हैं, चैनल को वेल्डिंग करके और उसमें उसके हेल्प से इसे इंस्टॉल किया गया है। ये 3 फेज का पावर सॉकेट है और जब कभी भी इंडस्ट्री में 3 फेज का पावर लेना होता है तो उसके लिए पावर सॉकेट के द्वारा पावर लिया जाता है और DB के थ्रू। यहाँ पे देख रहे हैं, ये पावर सॉकेट है और ये इंग्रैंड कंपनी का है और ये 3 फेज और प्लस न्यूट्रल ये है। IP66 और IP67 है। IP66 और IP67 एक तरह से वाटर प्रूफ का सिंबल है, इससे मालूम पड़ता है। ये 240 वोल्ट से लेकर के 415 वोल्ट पर काम करता है। आप यहां देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है वेल्डिंग आउटलेट। अगर कभी भी आपको वेल्डिंग करना हो तो यहां से आप पावर ले सकते हैं। इसके लिए इसका इंस्टॉलेशन किया गया है, इसको इंस्टॉलेशन करने का ये पर्पस होता है। तो अगर आपको वेल्डिंग करना है कहीं पे तो आप इसके द्वारा पावर ले सकते हैं, लेकिन अगर वेल्डिंग ना करना हो, कोई सिंगल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करना हो तो उसके लिए 240 वोल्ट 16 एम्पियर का यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ है। इसके द्वारा आप पावर लेकर के और सिंगल फेस का जो भी टूल्स होता है, इलेक्ट्रिकल टूल्स होता है, उसका यूज कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हैं, इसे भी चैनल में नट वेल्डिंग किया हुआ है। चैनल में वेल्डिंग करने के बाद इसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब कभी भी आपको इंस्टॉल करना हो सिंगल फेस पावर सॉकेट या डबल या 3 फेस पावर सॉकेट, तो आप इस तरह इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात आती है, इसका जो हाइट है वो कितना मेंटेन रखेंगे। तो नॉर्मली इसका जो हाइट है वह 1.9 मीटर रहता है या कहीं कहीं 1.7 मीटर रहता है। 1.9 मीटर जो है वो सिंगल फेस के लिए है 1.9 मीटर और जो डबल 3 फेस है उसके लिए वो है 1.7 मीटर इसका टॉप हाइट मेंटेन किया जाता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे 24 वोल्ट 5 एम्पियर का ये पावर सॉकेट है। अभी आप देखेंगे ये जो दूसरा है, ये पावर, इसको DB भी बोल सकते हैं, पावर सॉकेट भी बोल सकते हैं। ये जो है इमरजेंसी लाइट के लिए है, 24 वोल्ट के लिए 24 वोल्ट ये आउटपुट देता है। तो जब कभी भी पावर का आपको ज़रूरत पड़े किसी काम को करने के लिए, कोई इलेक्ट्रिकल टूल्स या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए, तो आप यहां से 24 वोल्ट पावर आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपको 220 वोल्ट AC लेना हो तो उसके लिए जो दूसरे वाला सिंगल फेस का जो सॉकेट था उससे ले सकते हैं। और अगर आपको कोई वेल्डिंग मशीन यूज करना हो, वेल्डिंग मशीन चलाना हो, तो उसके लिए 3 फेज का जो 415 वोल्ट का जो ये पावर सॉकेट है, यहाँ से आप पावर ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आपने तो देख लिया कि इसे इंस्टॉल करने के लिए किसी चैनल के द्वारा उसमें होल करके और वेल्डिंग करके किसी चैनल के हेल्प से इसे इंस्टॉल करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।